ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। इस बार ये विवाद दिल्ली की कुतुब मीनार को लेकर है। कुतुब मीनार को लेकर छिड़े विवाद के बीच ऐतिहासिक परिसर में खुदाई की बात की जा रही है। पहले संस्कृति मंत्रालय ने निर्देश दिए कि कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जाए। एक रिपोर्ट के आधार पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम किया जाना है। इसके बाद ASI संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन अब केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि अभी कुतुब मीनार खुदाई का कोई फैसला नहीं लिया गया। पुरातत्विक सर्वेक्षण ASI की ओर से कुतुब मीनार परिसर में कोई भी खुदाई नहीं की जाएगी। अभी तक इस बारे में हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। कुतुब मीनार विवाद पहले नाम बदलने से शुरू हुई थी, अब उसकी खुदाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आज समझेंगे कि आखिर कुतुब मीनार विवाद है क्या, कहां से और क्यों शुरू हुआ ये विवाद, क्या कुतुब मीनार की खुदाई की जाएगी, अगर की जाएगी तो फिर क्या होगा। मैं भारत सरकार के द्वारा, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, ASI के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, कुतुब मीनार में भारत सरकार के द्वारा कोई कदम उठाने का निर्णय अभी तक लिया नहीं, इसीलिए जो भी न्यूज है वो गलत है, बेबुनियाद है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। विवाद शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग की गई थी। इसके बाद वहां हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की थी। हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता ने कहा था कि मुगलों ने हमसे इसे छीन लिया है, हमारी मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। कुतुब मीनार में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर भी विवाद हुआ था। महरौली से BJP की निगम पार्षद आरती सिंह ने मांग की थी कि मूर्तियों को कुतुब मीनार में ही उचित स्थान पर रखकर वहां पूजा आरती कराई जाए। कुतुब मीनार में मंदिर होने और देवी देवताओं की मूर्ति को अपमानित तरीके से रखने का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन परिसर में पूजा के लिए याचिका भी दाखिल है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 17 मई को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गई थी। इस याचिका पर 24 मई को सुनवाई होनी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने 2022 में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि कुतुब मीनार स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित की जाए और पूजा करने की इजाजत दी जाए। पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर ने दावा किया था। ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि कुतुब मीनार को कुतुब उद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था। उन्होंने इसको लेकर तीन बड़े बड़े दावे किए थे। पूर्व ASI अफसर के बड़े दावों में पहला था, कुतुब मीनार नहीं, वहां सन टावर है, यह कुतुब मीनार नहीं है, यह सन टावर है, इससे संबंधित बहुत सारे सबूत हैं उनके पास। शर्मा का कहना था कि कई बार कुतुब मीनार का सर्वेक्षण भी किया गया। दूसरा दावा, मीनार के टावर में 25 इंच का झुकाव है। उन्होंने दावा किया कि कुतुब मीनार के टावर में 25 इंच का टिल्ट है, झुकाव है, क्योंकि यहां से सूर्य का अध्ययन किया जाता था, इसलिए 21 जून को सूर्य आकाश में जगह बदल रहा था, तब भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ी, यह विज्ञान और एक पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तीसरा दावा, रात में ध्रुव तारा देखा जा सकता है। शर्मा ने बताया कि लोग दावा करते हैं कि कुतुब मीनार का एक स्वतंत्र इमारत है और इसको संबंध करीब मस्जिद से नहीं है, दरअसल इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है ताकि इससे रात में ध्रुव तारा को देखा जा सके। इसका निर्माण वराहमिहिर, आचार्य वराहमिहिर थे, जो कि विक्रमादित्य के कोर्ट में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य खगोल शास्त्री थे, उनकी देखरेख में मिहरावली में यानी महरौली में इसका निर्माण किया गया था। ये सम्राट विक्रमादित्य इतने चक्रवर्ती सम्राट थे कि उन्होंने ज्योतिष का बहुत बड़ा उनको रुचि थी, इसलिए उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रत्न हुआ करते थे, उनमें से वराहमिहिर जो फारस का रहने वाला था वो भी था। उसने सूर्य के मूवमेंट को और नक्षत्रों के मूवमेंट को अध्ययन करने के लिए एक वेदशाला का विष्णुपद पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, जो कि यही क्षेत्र है, और इसमें कुतुब मीनार का जैसे उत्तर में इसका मुख्य द्वार उत्तर में है, अगर आप इसके द्वार में खड़े हो जाएं, द्वार के बीच मध्य में खड़े हो जाएं आप, और आप अपनी अपनी अपने शरीर को 25 इंच पीछे की तरफ झुकाएं, तो आपके सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा आपको।
तो इसका द्वार ही उत्तर में ध्रुव स्तंभ की तरफ है, समझिए इसको ध्रुव तारे की तरफ है। धर्मवीर शर्मा ने कहा कि कुतुब मीनार का निर्माण 5वीं शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। विक्रमादित्य ने ये मीनार इसलिए बनवाई थी क्योंकि वे सूर्य की स्थितियों पर अध्ययन करना चाहते थे। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इससे पहले भी खबर आई थी कि कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई की जा सकती है। इसको लेकर मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने 21 मई को हाई लेवल मीटिंग भी की। कुतुब मीनार में 1991 में अंतिम बार खुदाई का काम हुआ था। संस्कृति सचिव ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद यह फैसला लिया, लिहाजा कुतुब मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 मीटर दूरी पर खुदाई का काम शुरू किया जा सकता है। कहा गया कि कुतुब मीनार ही नहीं अनंत ताल और तालकोट किले पर भी खुदाई का काम किया जाएगा। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई के निर्णय से पहले संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने 12 लोगों की टीम के साथ निरीक्षण किया। इस टीम में 3 इतिहासकार, ASI के 4 अधिकारी और रिसर्चर भी मौजूद थे। इस मामले में ASI के अधिकारियों का कहना है कि कुतुब मीनार में 1991 में खुदाई नहीं की गई और वो काम अब होगा। इसके रिसर्च पेंडिंग है जिसकी वजह से फैसला लिया गया है। हालांकि इसकी खुदाई को लेकर अभी मामला साफ नहीं है। याचिका कोर्ट में है और सुनवाई पर भी काम जारी है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार कुतुब मीनार पर विवाद खड़ा हुआ है। कुतुब मीनार का इतिहास विवाद से बहुत पुराना रहा है। दिल्ली टूरिज्म वेबसाइट के मुताबिक कुतुब मीनार को सन 1193 में दिल्ली के पहले मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक को हराने के बाद उन्होंने 73 मीटर ऊंची इस इमारत का निर्माण शुरू करवाया। हालांकि वे सिर्फ तलघर ही बनवा सके। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाई और उसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने बाकी 2 मंजिलें बनवाई। पहली 3 मंजिल लाल सैंडस्टोन से और चौथी 5वीं मंजिलें मार्बल और सैंडस्टोन से बनाई गई। टावर के नीचे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है। इसे भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद के आंगन में एक 5 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे का बना हुआ है, लेकिन आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। माना जाता है कि इस लोह का स्तंभ निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 से 412 के बीच में कराया है। लेकिन अब कुतुब मीनार पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में पुरातत्व विभाग ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। यह दावा मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहब्बत ने किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 47 वर्षों से मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ते थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था और ऐसा पहली बार हुआ है कि परिसर में स्थित नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब कुतुब मीनार को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर खुदाई किया जाना है। ASI की पूरी टीम भी तैयार है कि वहां पर खुदाई की जाएगी, क्योंकि 1991 में वहां खुदाई का काम नहीं किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखना यह होगा कि क्या कुतुब मीनार में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद कुतुब मीनार में भी खुदाई होगी। आगे क्या होगा इसे देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।